मैंने गरम पानी में आलू को छील के बॉईल करने रख दिया है। हाफ डन करके मैं इसको निकाल लूँगी आलू को, और सेम इसी तरह से मैं फूलगोभी को भी हाफ डन करके निकालूँगी। बाकी का ये दोनों डीप फ्राई में पक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं धाबा स्टाइल आलू गोभी। ये थोड़ा पंजाबी फ्लेवर देगा, पंजाबी पीपल जैसे बनाते हैं ना, उस तरह का फ्लेवर देगा। मेरी रेसिपी की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ये मैं 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया हुआ है तकरीबन 150 ग्राम जितनी गोभी, फूल गोभी। इसको मैंने बॉयल कर लिया है, पौना डन किया हुआ है, पूरा पूरा डन नहीं है ये देखें पानी में। और आलू मैंने लिए हुए थे, एक लार्ज साइज़ का ले आप या 2 मीडियम साइज़ के। इसको भी मैंने कट करके थोड़ा सा हाफ डन कर लिया है इस तरह से, थोड़ा सा अंदर से कच्चा है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करूँगी तो ये पूरा डन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया हुआ है, स्लाइस में कट कर लिया इस तरह से छिलके निकाल के। 3 से 4 साबुत वाली हरी मिर्चें, ये मेरे पास थी छोटी वाली हरी मिर्चें, बेल पेपर्स, खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ। अगर अवेलेबल है डाले, नहीं तो नहीं, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये इसका फ्लेवर अच्छा होता है, मेरे पास थे, मैं डाल रही हूँ। और तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया। ये मसाले को हमने भून के पीसना है। इसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून जितना साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर साबुत वाले, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये सौंफ साबुत वाले, 1/2 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी, 1 इलायची, 3 लौंग और 1 जायफल नटमेग जिसको बोलते हैं। इन सब को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी तवे पे बगैर ऑयल के, और फिर मैं इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं ये मसाला भी इसमें डाल दूँगी पीसते हुए। लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से ले, मैंने 1/2 टीस्पून लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है ये दालचीनी पाउडर, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। बघार के लिए चाहिए हमें 1/2 टीस्पून जितना साबुत ज़ीरा, 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हुए थे, 1/2 इंच का टुकड़ा जिंजर का लिया हुआ था, और ये स्पाइसी वाली मैंने 2 ग्रीन चिली ली हुई है। इन सब को मैंने एक साथ चॉप कर लिया है। पहले मैं इसको रोस्ट कर लूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। रोस्ट के लिए मैंने पैन गरम कर ली, इसके अंदर मैं डाल दूँगी धनिया और ज़ीरा, थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, बाकी का मसाला मैं बाद में डालूँगी। ये हल्का सा हो गया है, इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी। मैं डालूंगी सबसे एंड में, जब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी जब, ताकि ये जल ना जाए। इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कर लेना है हमने। ये मसाला पूरा रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसको फ्लेम पे से हटा लूँगी। इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी, और ये इसी की हीट के अंदर पक जाएगा। ये मसाला मेरा कूल डाउन हो चुका है, अब मैं इसको पाउडर फॉर्म में पीस लूँगी। ये मसाला पीस चुका है, अब ये जो मसाला है मैं इसमें डाल के वापस से एक बार पीस लूँगी, तो ये इसका पूरा मसाला रेडी हो जाएगा। बॉयल किए हुए आलू मैंने गरम तेल में डाल दिए, मैं इसको हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी। हमने इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, थोड़ा सा पिंक होगा और हम इसको निकाल लेंगे। फूलगोभी को भी मैं गरम ऑयल में डाल के इसको हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया और 1 टीस्पून जितना मैंने घी लिया। इसमें घी का फ्लेवर थोड़ा अच्छा होता है। ये गरम हो जाएगा, ये गरम हो गया, मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, ये हल्का सा होने दूँगी। ज़ीरा हो जाने के बाद मैंने ये जो साबुत मिर्चें हैं ये डाल के इसको थोड़ा सा कलर दे के मैं निकाल लूँगी। मिर्चें निकाल ली मैंने, इसमें मैं डाल दूंगी हमारे चॉप मसाले, और इसको हल्का सा पिंक करने तक हमने इसको भूनना है। ये पिंक हो चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी ये मसाला। अभी मैं मिलाऊंगी इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून जितना मैंने इसके अंदर मिलाया, इसको मैं मिक्स करूंगी। और इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, और इसको हल्का सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमने मैश नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े साबुत हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, और ये बंद गोभी, फूल गोभी, और ये मिर्चें, इसको हम सारों को मिक्स कर लेंगे।
अगर आपको ज़रूरत लगे कि इसमें मसाले की ज़रूरत है तो आप यही वाला मसाला डालें, वरना ये मसाला आप सेव कर सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी में डालेंगे बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है इससे। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं इसके अंदर और मसाला नहीं मिलाऊंगी, मुझे सही लगा, इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना पानी और इसको कवर करके पका लूंगी ताकि ये अच्छे से सब मिक्स हो जाए। और इसके अंदर पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और बाकी का हम बाद में डालेंगे। अब इसको कवर कर लेंगे हम। ये रेडी हमारी ढाबा स्टाइल पंजाबी स्टाइल आलू गोभी की सब्ज़ी। इसको आप तंदूर की रोटियों के साथ या घर की चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगेगा। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।